सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय चैनल न्यूज चैनल चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास रात्रि 8 बजे सादर जय जय बहुत पाबंदी थे हमारे छोटे अभी हमारे का जैन और पाँच तीर्थों को जैन हुआ था तीसरे तीर्थों का अभी और ये देख रहे हैं आप गुरुवर इनके पास ऐसा कोई नेता नहीं है, ऐसे कोई अभिनेता नहीं है, ऐसे कोई सामाजिक नहीं है, व्यक्तित्व नहीं है जिन्होंने उनके दर्शन करके अपने को धन्य नहीं माना हो। कुछ नेताओं के यहाँ पर आप देख रहे हैं तस्वीरें गुरुवर के चरणों में समर्पित होते हुए भावे इस भावे भाते हुए कि यह भावना प्रभु आप तो सचमुच चलते फिरते भगवान आज में बस आपके दर्शन होने से ऐसा मिल जाए। और इसी में से हमारे मोदी जी भी 3-4 महीने पहले डोंगरगढ़ में ही आचार्य शिव सुबह सुबह पहुंच गए दर्शन करने के लिए, तब का दृश्य देख रहे हैं आप। और इन्होंने अब इतना राष्ट्रीय अधिवेशन जो होता है बीजेपी का, कहते हैं वहीं के उन कार्यकर्ताओं ने बताया कि 25-30 साल से वो बीजेपी के अधिवेशन में है, हमेशा रखते हैं, लेकिन कभी भी 12,000 की उपस्थिति उसके अंदर पहली बार किसी महापुरुष के लिए 15 मिनट तक का संबोधन जब प्रधानमंत्री गृह सब हो मौजूद तब दिया गया, ऐसा आज तक इतिहास में नहीं हुआ जो स्वयं प्रधानमंत्री जी ने और उनके अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसकी अगुवाई की थी। कहते इसकी सुन के हर कोई अकल्पनीय था कि कैसे है वो महापुरुष। और फिर देखिए आज आपने नरेंद्र मोदी को क्या देखा है आपने आज तक, उनको एक प्रधानमंत्री, एक बड़े राजनेता, एक शिक्षक के रूप में जब बच्चों को संबोधित करते हैं कैसे परीक्षा में बैठना है, एक सामाजिक के तत्व के रूप में, एक श्रावक के रूप में देखा है, हाँ एक लेखक के रूप में भी देखा है जब उन्होंने राजनीति के बारे में कई बार इंटरव्यू अखबारों में देते हैं प्रिंट मीडिया में। पर यह देखिएगा उन्होंने आज आधे पेज से ज्यादा का हर अखबार को एक लेख लिखा है और लेख वो गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज पर उन्होंने अपनी छवि व्यक्त की है, अपनी विरंजस व्यक्त की है। पहली बार उन्होंने किसी ऐसे धार्मिक महापुरुष पर इस तरह का लेख लिखा है जो आज देश के लगभग सभी अखबारों में दिख रहा है ना गजब की बात। चलिए आगे बढ़ते हैं और यह है अस्थि कलश, गुरुवर की यादें, गुरुवर को अपने हृदय में रखे हुए। और यह है जो अस्थि कलश आज सुबह का दृश्य देख रहे हैं अभी सुबह सुबह का, जहां पर यह रखा जाएगा। ये देखिए जैन धर्म के अंदर कभी भी अस्थियों का किसी नदी में विसर्जन नहीं होता है, यह आप लोग भी जानिए। कुछ लोग हिंदू परंपरा में आते हैं, जैन धर्म में ऐसा नहीं होता है। जहां पर यह अस्थि कलश विराजित होगा वहीं पर गुरुवर की समाधि स्थल का निर्माण होगा। और ये दिखा रहे कर्नाटक विधानसभा के ऐसा कोई मंच नहीं है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पर गुरुवर को किसने अपनी विनयांजलि नहीं दी हो। यहाँ कर्नाटक विधानसभा में आवाजें आ रही होंगी आपको, बेलगावी जिले या चिक्कोड़ तालुका में समर्पण में यह विनयांजलि कर्नाटक की पूरी विधानसभा के अंदर दी गई। भावी आचार्य श्री श्री समय सागर जी मुनिराज बस कल दोपहर तक आशा है कि वह डोंगरगढ़ में चंद्रगिरी तीर्थ पर विराजमान हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे लगातार विहार करते करते, ऐसी आशा है। और आज उनके बारे में हम कुछ आपके पास कुछ अलग ही बातें लेके आ रहे हैं कि उनके अंदर किसकी छवि प्रतीत होती है। इस सवाल से पहले एक अनुभव बताते हैं गृह सभा से गए विद्याधर और शांतिनाथ के। जी हाँ, उनका नाम था छोटे से, सबसे छोटे थे। कैसी श्रीमंत माता जी थी, धन्य है जिन्होंने ऐसे संस्कार दिए। पहले भाई जो थे बड़े उत्कृष्ट सागर अभी 2 साल पहले मुनिराज बने, फिर आए विद्याधर, सचमुच विद्या के धनी थे और सचमुच हमारे बीच से चल दिए एक ऊंचाई की ओर और हमें यूं ही छोड़ गए व्याकुल कह सकते हैं आप। और फिर रखे अनंतनाथ और शांतिनाथ, क्या भगवान के नाम पर हम में से आज तक किसी ने ऐसे सामर्थ्य नहीं कि ऐसे संस्कार देके तीर्थंकर के नाम पर और तीर्थंकर तो गुण के अंदर पा जाए, ऐसे थे शांतिनाथ। उनसे छोटे उसका आज का कोई किस्सा सुनाते हैं। विद्याधर अनंतनाथ जी जो सब छोटे भाई थे उनसे 12 साल बड़े थे, शायद उस समय विद्याधर जी की उम्र शायद 15-16 साल के लगभग थी और शांतिनाथ जी की मात्र 2.5-3 साल थी। एक दिन बहुत तेज रोने लगे शांतिनाथ, बहुत तेज, माँ भी थक गई, बोलते बोलते कहा विद्याधर आओ। वैसे उन्हें वो कभी पीलू कभी तोता कहती थी कि आओ को संभालो तुम्हारा भाई परेशान कर रहा है। उन्हें गोदी में लिया, बहुत समझाया, लेते तो हुए बाहर ले आए लेकिन वह नहीं चुभा। तब पता है विद्याधर ने क्या कहा, उन्होंने कहा भाई
तुम इस तरह रोकर पापों का अर्जन कर रहे हो। आप सोच लीजिए उस बच्चे ने क्या ख्याल था, उस छोटे बच्चे का दिन, और फिर कहा कि तुम्हें तो वो रत्न लेने चाहिए, सम्यक रत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। यह कहते ही बालक 3.5 साल के शांतिनाथ चुप हो जाते हैं और फिर अपनी तोतली भाषा में बोलते हैं, भैया लाओ रत्न, मतलब वो रत्न मुझे दे दो। अब उसके बाद मुस्कुराते हुए विद्याधर कहते हैं, वह रत्न यहां नहीं है, वह तुम्हारे हृदय में है। ये बहन सुन रही होती है, वो दौड़ के जाती है रसोई के अंदर और माता श्रीमंत को बताती है कि भाई ने भाई जैसे कहा, चुप हो गया और वसंत के मुस्कुरा रहा है। दोनों छोटे भाई आनंद को आचार्य श्री जत विद्याधर बार बार कहते, ऐसे नहीं ऐसे पढ़ो, पर क्या पढ़ना है, सबसे पहले नमो अरिहंताण सुर में बोलते थे और हमेशा पाठ्य पुस्तकों के अंदर जीर्णवाणी जरूर रखते थे। आज आपको बता रहे हैं हम उन तीनों के करते, तो दादा गुरु, गुरुवर और भावी आचार्य, क्या इनके अंदर है? अरे हम कहते हैं हमने यही पढ़ा है, बाप शेर बेटा सवा शेर, अरे गुरु शेर शिष्य सवा शेर। अब भावी शिष्य कैसे होंगे, आज आपके सामने एक थोड़ा सा आंकड़ों के साथ यह दिखाते हैं आपको कि किसकी छवि है उनके अंदर, आने वाले भावी आचार्य श्री के अंदर। दादा गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी, गुरुवर आचार्य श्री विद्या सागर जी और भावी आचार्य श्री समय सागर जी मुनिराज। आज तीनों के अंदर देखते हैं, जन्म से शुरुआत करते हैं। जन्म, दादा गुरु का जन्म हुआ था 19वीं सदी की शुरुआत कह सकते हैं, 1897 में, आज से 127 साल पहले हुआ था। और फिर जब हमारा देश आजाद होने लगा था, तब उससे बस कहते हैं 1 साल ने जन्म के बाद, वह शरद पूर्णिमा थी 1946 की, जब हमारे गुरुवर आचार्य श्री का जन्म हुआ था। और उसके 12 साल बाद उन्हीं के छोटे भाई के रूप में, सबसे छोटे भाई के रूप में, शांतिनाथ जी के रूप में, उनके 12 साल बाद, और वह दिन क्या किस्मत की बात है, उसी कर्नाटक के सलगा के अंदर वही शरद पूर्णिमा के दिन ही भावी आचार्य श्री का जन्म होता है और नाम रखा जाता है शांतिनाथ अष्टगे जैन। अगर लौकिक शिक्षा की बात करें तो दादा गुरु उन्होंने शास्त्री किए संस्कृत में, जैन दर्शन में, बहुत बड़े बड़े प्रख्यात विद्वान थे, विद्वान थे, और उन्हीं से सीखे थे हमारे गुरुवर आचार्य श्री। इन्होंने लौकिक शिक्षा प्राप्त की 9th क्लास तक कन्नड़ के अंदर, और भावी आचार्य श्री समय सागर जी हैं जो बनेंगे, उन्होंने करी लौकिक शिक्षा 11वीं तक मराठी के अंदर। शेर सवा शेर शेर आप ढूंढते रहिएगा, करते हैं बात अब ब्रह्मचर्य व्रत की। हाँ, तो दादा गुरु ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया देश के आजाद होने से मात्र 2 माह कह सकते हैं आप, 1947 में 50 साल की उम्र में। क्या कहता आपसे, गुरु शेर शिष्य सवा शेर, और आचार्य श्री ने फिर ब्रह्मचर्य व्रत लिया दादा गुरु से नहीं, आचार्य देशभूषण जी से 20 साल की उम्र में। क्या कहता आपसे, गुरु शेर शिष्य सवा शेर, और अब भावी आचार्य श्री बनेंगे, इन्होंने गुरुवर से ब्रह्मचर्य व्रत लिया 16.5 वर्ष की उम्र में, 50 साल, 20 साल, 16.5 वर्ष। बात करते हैं शुल्लक और एयक दीक्षा की, जहां दादा गुरु ने 57 वर्ष की प्रौढ़ अवस्था के अंदर शुल्लक और फिर एयक दीक्षा ली, और हमारे गुरुवर ने कहते हैं डायरेक्ट 6, ना शुल्लक दीक्षा ना एलक दीक्षा, ब्रह्मचर्य दिवस सीधा मुनि दीक्षा ली थी उन्होंने। और अब भावी आचार्य श्री बनने वाले समय सागर जी मुनिराज, उन्होंने 17.5 वर्ष की उम्र में शुल्लक और फिर 20 वर्ष की उम्र में एलक दीक्षा गुरुवर से ली थी। शेर कौन शेर, सवा शेर कौन सवा शेर। अब बात करते हैं मुनि दीक्षा की। हम मुनि दीक्षा दादा गुरु ली 1959 में, हाँ शायद आषाढ़ कृष्ण की तौज थी, जयपुर में ली थी गुलाबी नगरी में, यानी 62 वर्ष की उम्र में गुरुवर ने ली। वही आषाढ़ का महीना था, बस कृष्ण पक्ष की पंचमी थी, राजस्थान की बात है, वह जयपुर में थी या अजमेर में थी। 22 वर्ष की उम्र में ली, उससे 4 माह कम के अंदर गुरुवर ने ली, और गुरुवर से भावी आचार्य श्री बन रहे हमारे समय सागर जी महाराज ने ली दीक्षा, उनसे ली द्रोणगिरी में। कवली चैत्र कृष्ण की छठ थी, पर खास बात थी उन्होंने 22 वर्ष से 7 माह पहले ले ली, गुरुवर ने 4 माह पहले, उन्होंने 7 माह पहले ली द्रोण गिरी के अंदर। शेर सवा शेर। अगर दीक्षाओं की बात करें तो आचार्य दादा गुरु ने 8 दीक्षाएं दी,
एक आचार्य गुरुवर को आचार्य कल्प दी गई, एक एलक और पांच शुल्लक दीक्षा दी थी उन्होंने। वहीं पर गुरुवर ने सबसे ज्यादा वर्तमान में 398 दीक्षाएं दी, जिसमें से 130 तो मुनिराज हैं, यानी उन्होंने चल तीर्थों का भी निर्माण किया जैसे अचल तीर्थों का निर्माण किया। गजब की बात है। खास बात इधर क्या है, नवी कक्षा में पढ़ने वाले और इनसे दीक्षा के लिए इंजीनियर, सीए, डॉक्टर, पता नहीं कितने बड़े बड़े एमबीए लगे रहते हैं लाइन में, कतार में, कि मुझे दीक्षा दे दो। नवी पढ़े उन्होंने मूक माटी जैसे ऐसा रहस्यमय ग्रंथ लिख दिया धार्मिक, कि उस पर 56 शोध हो चुके हैं, पीएचडी हो चुकी हैं और सैकड़ों शोध पत्र अब तक प्रकाशित हो चुके हैं, अनवरत जारी हैं उनके अध्यात्म के ऊपर। यह होती है गजब की बात। लौकिक शिक्षा जीरो हो जाती है जब गुरुवर जोड़ते हैं। गुरुकुल की पढ़ाई भारतीय शिक्षा के अनुसार होनी चाहिए। और अब शिक्षाओं का क्रम शुरू करेंगे हमारे भावी आचार्य बनने वाले समय सागर जी। ये गजब की बातें हैं जो हम जानते हैं। अब बात करते हैं, कुछ त्याग की बात कर लेते हैं। आचार्य जी के त्याग के बारे में हम जानते हैं, एकदम उसी रूप में है भावी आचार्य। ना ये मीठा लेते थे, ना वो मीठा लेते हैं, ना बुरा बुरा कुछ लेते। वो नमक नहीं लेते तो ये भी नमक क्यों लेंगे? नहीं लेते हैं। कहते वो फल नहीं लेते तो मैं फल क्यों लूंगा? वो चटाई का इस्तेमाल नहीं करते तो मैं चटाई का इस्तेमाल क्यों करूंगा? नौ नौ उपवास करते थे हमारे गुरुवर आचार्य जी, और ये भी पांच पांच उपवास के क्रम रखते हैं भावी आचार्य जी। एकदम गंभीर रूप से रहते हैं। और इनके अंदर खास बात क्या है आचार्य समाज सागर जी, जो हमें बताया एलक सिद्धांत सागर जी इनके बारे में खास बात, उन्होंने कहा कि ये बहुत ज्यादा आगम की बात करते हैं और शांत एकदम चित्त, जैसे हमारे आचार्य जी गुरुवर है ना, कभी भी अप्रभावना की बात नहीं करनी है, और कोई फालतू बात हो मौन रखे ध्यान, किसी फालतू बात नहीं, इतने गंभीर रूप से हैं। 2015 में पहली बार इन्होंने अलग चातुर्मास किया गुरुवर के आदेश से इंदौर के अंदर। और 2015 का वर्ष आप लोगों को याद होगा जब संलेखना की बात हुई थी, तो आपके सानिध्य में इंदौर के अंदर 1.5 लाख लोग इकट्ठे हुए थे, 5 किलोमीटर लंबी रैली बनी थी, उस समय एक नया रिकॉर्ड देकर हर कोई असमय था आपकी इस कार्यशैली को, आपके इस नेतृत्व को, कि जिसकी आवाज सुनकर पूरा इंदौर एक दिन सड़कों पर आके शांत प्रिय जलूस में निकल गया था। ऐसे हैं आपके अंदर नितांत शांत रूप से, बिल्कुल उसी तरह से कठोर तपस्या करने वाले, तप त्याग की पराकाष्ठा रखने वाले, और गुरुवर के हर वाक्य को अपने अंदर याद नहीं करने वाले, आचरण में बांधने वाले हैं हमारे भावी आचार्य श्री समय सागर जी। इनके बारे में और चर्चा करेंगे अभी आगे। ऐसे कहते हैं गुरु से बड़ा शिष्य बन जाता है जब उसको संस्कार गुरु ऐसा देता है, वह दो कदम आगे ही निखारता है। कहते हीरा वही होता है, जौहरी असली वही होता है जो पाषाण में पड़े को हीरे को खदान से निकाल के हीरा बना देता है। एक को देख चुके हैं और एक तराश के अब देखेंगे। और पहले यहां दिखाते हैं आपको 1972 के दृश्य, दादा गुरु और गुरु के साथ यह जोड़ी। और अब दिखाते हैं आपको वह दृश्य जो आचार्य में तो नहीं, कुछ दिन पहले के हैं, कुछ समय पहले के थे, जब हमारे गुरुवर और भावी आचार्य श्री साथ वैसे बैठे थे। ये दो दृश्य ऐसे हैं, एक साथ तीन तो नहीं दे सके, पर यादगार बनते हैं आचार्यों की परंपरा के सबके लिए। सभी गुरुओं के चरणों में ना बारंबार वंदन नमन, और आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।